खेतड़ी के महाराजा मनी ऑर्डर भेजते थे तब चलता था। तो एक ढेला भी कमाया, कहीं कोई प्रभाव नहीं, प्रभुता नहीं पाई, न रिश्ते के है, न नाते के, न कभी देखा, न कभी आए अपने घर। हम क्यों जानते हैं उनको? हम इसलिए जानते हैं कि वो अपने लिए नहीं जिए, वो जिए ऐसे जिए स्वयं सारी मानवता के सामने एक उदाहरण बन गया, और ऐसा बनने के बाद भी उसका भी उपयोग उन्होंने अपने लिए नहीं किया। कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशकम, राजा रंतिदेव कहते मुझे राज्य नहीं चाहिए, न तू अहम कामये राज्यम न स्वर्गम न अपुनर्भव, मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्या एकमात्र इच्छा है दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाम। ये भारत है, विकास परिषद समाज के प्रबुद्ध और समृद्ध व्यक्तियों का समूह संगठन। प्रबुद्ध है इसलिए समझते हैं, ये बुद्धि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, वो प्रबुद्ध जन है, वो इन सब बातों को जानते हैं। मेरे भाषण के पहले हजारों बार आपने ये बातें पढ़ी सुनी होगी और आपने स्वयं हजारों बार बताई भी होगी। घर में छोटे बच्चों को भी इन बातों को हम बता दें, हम जानते भी ऐसा है, ऐसा नहीं है, लेकिन बुद्धि से जो जानते हैं, मन से जो स्वीकार करते हैं, उसको कृति में लाने के लिए आदत करनी पड़ती है। खाकर समाज का काम किया, ये क्यों किया होगा? उसका एक ही कारण है, अपनापन। सेवा सेवा हम करें तब से, तो सेवा क्यों होती है? जो अपनेपन के कारण होती है वह सच्ची सेवा है। लगता है कि सेवा करनी चाहिए, जो दुख में है वो भी मेरा है, वो मेरा ही है, वो दुख में और मैं सुख में कैसे रहूं? कहीं कोई अभाव है तो मेरे जीवन में भी अभाव है, वो अभाव कहीं और है ऐसा नहीं, वो मेरे जीवन में वही अभाव है, उसको पूरा किए बिना मेरा जीवन पूर्ण नहीं होगा। ये संवेदना जो मनुष्य की मनुष्यता का परिचय है, वो फूट पड़ती है हृदय की व्यथा जो उत्पन्न होती है दूसरों का दुख दे, वही सेवा भाव बनकर खूब निकलती है, कृति में परिवर्तित। ऐसी एक स्वाभाविक सेवा उनके हाथ से जीवन भर बिल्कुल देश विभाजन की परिस्थिति में गुंडों की दंगों से उस त्रासदी में पीड़ित लोगों को सुरक्षित भारत लाना, उनकी सेवा करना, यहां से लेकर तो भारत विकास के प्रारंभ में नागरिक समिति बनाकर चीन के आक्रमण के प्रतिकार में जो जो नागरिकों ने करना आवश्यक था वो सब करने लगना, ये जो सारा सहज संवेदना का प्रगतिकरण हुआ वो हमको करना, ऐसा ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। उस समय उसके मन में, उनके मन में विचार आया
कहाँ से शुरू किया, मैं अकेला था, अब इतना सारा साम्राज्य हो गया, किले बन गए, कोई होगा क्या ऐसा राजा पृथ्वी तल पर जो इतने कठिन परिस्थिति में से और इतने अल्पावधि में इतना बड़ा काम कर सकता है। वो सन्यासी थे, वो अंतर्ज्ञानी थे, उन्होंने अपने हाथ में जो लाठी थी उन सन्यासी उससे वहां के एक पत्थर पर जोर से मारा, ऐसे ही तो पत्थर टूट गया, देखते तो पोल था, किसी जगह टूट गया लाठी के प्रहार, अंदर पानी था और पानी में एक छोटा सा मेंढक भी था। तो सन्यासी राजा को कहते हैं कि महाराज आप तो बड़ी चिंता करते हो, सारे प्रजा की इतनी, अब ये पत्थर के अंदर मेंढक बैठा है उसके लिए पानी की भी चिंता आपने की है, बहुत अच्छा काम है। तो समझ गए कि पत्थर में पानी रखने वाला तो मैं नहीं हूं, जो सबकी चिंता करता है उसी के प्रभाव से मैं भी कुछ कर सक रहा हूं। तात्पर्य क्या है कि अनुकूलता में अहंकार से दूर रहने की चिंता करने लगती है और सुविधा बढ़ती है, तो सुविधा है तो कार्य के लिए भी सुविधा होती है, वे सुविधाओं का उपयोग तो करना ही है, परंतु सुविधाओं की एक खराब आदत है वो परिश्रम के कारण। तो हम 10 परिश्रम करेंगे और 100 कदम आगे जाएंगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी। किसी भी कार्य में पहले उपेक्षा होती है, विरोध भी होता है, बल्कि भारत विकास परिषद का कार्य ऐसा है कि इसमें कोई विरोध की गुंजाइश नहीं, किसी से लड़ना वड़ना नहीं है,